हरिद्वार में नवोदय नगर संघर्ष समिति द्वारा घनी आबादी में कुष्ठ आश्रम बनाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन पांचवें दिन भी जारी रहा। वहीं स्थानीय पार्षद सिंहपाल सिंह सैनी ने कहा कि घनी आबादी क्षेत्र में कुष्ठ आश्रम नहीं बना जाना चाहिए। उन्होंने कहा जहां सरकार कुष्ठ आश्रम बनाना चाह रही है उसी के सामने नवोदय विद्यालय है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आवासीय स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए कुष्ठ रोग को स्कूली और आबादी क्षेत्र से कहीं दूर बनाया जाना चाहिए। धरने के बाद नवोदय नगर संघर्ष समिति के सदस्यों ने क्षेत्र की मातृशक्ति और नवोदय नगर के नागरिकों के साथ जिलाधिकारी हरिद्वार कैंप कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी कि कुष्ठ आश्रम के निर्माण को तुरंत रोका जाए। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। इसे आने वाले समय में बहुत बड़ी मुख्य समस्या में इनका नाम होगा। यहाँ बहुत सी स्कूलें हैं, स्कूल में छोटे बच्चे आ रहे हैं और बिल्कुल इसके साथ से लगते हुए हॉकी का जो स्टेडियम बन रहा है इंटरनेशनल, सरकार एक तरफ तो इंटरनेशनल हॉकी का यहाँ पे स्टेडियम बना रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे कुष्ठ आश्रम लेके आ रही है। तो खेलों के द्वारा दूर दूर से जो बच्चे आएंगे वो आएंगे नहीं यहाँ पे अगर कुष्ठ आश्रम बन जाएगा। मुख्य समस्या जो ये कुष्ठ आश्रम बन रहा है इससे बहुत बड़ी समस्या नवोदय नगर एवं आसपास के क्षेत्रवासियों को होने वाली है। जी, हम तो हमारे सब की जो मांग है जिला प्रशासन से और शासन से कि ये कुष्ठ आश्रम जो उन्होंने बिना प्लानिंग के बिना किसी वार्ता किए, क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे वार्ता करनी चाहिए थी कि हम यहाँ एक कुष्ठ आश्रम ला रहे हैं, यहाँ बनाएंगे तो हमारी राय भी व्यक्त कर लेते वो, लेकिन किसी से कोई राय नहीं दी और उन्होंने अचानक यहाँ कुष्ठ आश्रम का निर्धारण शुरू कर दिया बनाना और घनी आबादी में, जबकि घनी ये